दोस्तों, अगर आपने अपने घर की छत पर गमले में अमरूद का पेड़ लगाया है तो उसकी समय समय पर प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं जानते कि अमरूद के पौधे की प्रूनिंग कैसे की जाती है, कब की जाती है, कैसे कैसे आपको उसकी प्रूनिंग करनी है, साथ में प्रूनिंग करने के बाद क्या केयर करें ताकि आपको अपने गमले में लगे अमरूद के पौधे से ढेर सारे अमरूद तोड़ने को मिले, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको अमरूद की कटिंग कर दिखाने वाला हूँ और साथ में कटिंग करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आप समझ जाएँ कि अमरूद की कटिंग कितनी ज़रूरी है और कितने आसानी से ये की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, ये अमरूद का एक पेड़ है मेरा और इसकी मैं आज आपको प्रूनिंग करके दिखाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं, देखिए, ये अमरूद का जो पेड़ है इसकी मैंने ऑलरेडी प्रूनिंग कर रखी है। और ये जो प्रूनिंग मैंने की है, कटिंग मैंने की है, ये सर्दियों वाली कटिंग है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अमरूद की कटिंग आप कब कब कर सकते हैं। तो अमरूद की कटिंग आप कर सकते हैं दो बार, सर्दियों में और एक गर्मियों में। सर्दियों में अमरूद की कटिंग करने का सही समय है नवंबर दिसंबर, जब सर्दियाँ शुरू हो, और गर्मियों की कटिंग करने का समय है मार्च से अप्रैल। कभी कभी इसे मई में भी किया जाता है, लेकिन मई के बाद नहीं करना है, क्योंकि उस समय फिर बारिश होने लगेगी, तो जो आप कटिंग करेंगे उसकी न्यू ग्रोथ में जो है बीमारियां लगने का डर है और वो ख़राब हो सकती हैं। तो मार्च अप्रैल नवंबर दिसंबर, तो अभी मैं जो ये कर रहा हूँ ये मैंने नवंबर में की थी, इसकी कटिंग मैं करूँगा दिसंबर में। अब देखिए, अमरूद की कटिंग करना क्यों ज़रूरी है। अमरूद की कटिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पेड़ में आप देखेंगे ये जो ब्रांचेस हैं, इससे जो ये साइड ब्रांच निकलती हैं इन्हें कल्ले कहते हैं, और इन्हीं में फिर फ्रूटिंग होती है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे तो पेड़ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बुसी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, फ्रूटिंग नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब कटिंग करने के लिए हमें एक कटर की ज़रूरत होगी। तो देखिए, ये मैंने कटर लिया है। सबसे पहले तो इस कटर को आपको अच्छे से साफ़ करना है, किसी भी सैनिटाइज़र से आप इसे इस तरह से अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अच्छे से साफ़ कर लें। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें अच्छे से इसे साफ़ कर लूँगा। ध्यान रखिएगा, ये काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको जो है पौधे में नुकसान भी हो सकता है। इस तरह से हमने इसे क्लीन किया। और अब हमें देखिए, इस पूरे पौधे का पहले नेचर समझना है कि हमें किस तरह का पेड़ बनाना है। हमें बुसी बनाना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये होती है इसकी मेन स्टेम, जिस पे ये पूरा पेड़ सीधा खड़ा है। अब देखिए, सबसे पहली जो कट मैंने लगाया था वो यहाँ लगाया था लगभग एक साल पहले। तो ये दो, जो पहला कट लगाया जाता है वो 1.5 से 2 फीट पे लगाया जाता है, मैंने थोड़ा ऊपर लगा दिया है। और इसके बाद यहाँ से ये देखिए निकले हुए हैं 3 ब्रांच। तो मेन स्टेम के साथ आपको 3 से 4 ब्रांच रखनी है, बाकी की साइड की सारी ब्रांच हटा देनी है। तो जो आप ये देख रहे हैं साइड की ब्रांचेस, तो इन्हें मैं इस तरह से काट कर हटा दूंगा। तो ये साइड की ब्रांचेस मैं नहीं रखूंगा। और ध्यान रखिए कि कट थोड़ा सा आपको इस तरह से तिरछा ही लगाना है, ताकि जो मेन स्टेम है उसमें कट ना लगे। इस तरह से आपको काट देना है। ये भी हम काट देंगे यहाँ से। देखिए, अब देखिए इसमें नीचे आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे तक जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी नीचे बेस से ब्रांच निकल रही हैं, बिल्कुल बेस से, आपको उन्हें हटा देना है। तो देखिए, ये साइड में हमारी ब्रांच है एक, तो मैं इसे भी यहाँ से कट कर दूंगा। तो देखिए, ये मैंने कट कर दिया। नीचे हमें कोई भी ब्रांच नहीं रखनी है। ये 18x18 इंच के ग्रो बैग में है। यहाँ से हमने इसे क्लीन करते गए ऊपर तक। देखिए, एक साइड ब्रांच यहाँ पर है और 3 ब्रांच यहाँ पर है। ये साइड ब्रांच मैं रखने वाला हूँ क्योंकि ये अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आप ये जो ब्रांच देख रहे हैं ऊपर की, अब हमें करनी है इसकी प्रूनिंग। तो इसकी प्रूनिंग के लिए देखिए, सबसे पहले तो जो भी इसमें फ्रूटिंग है इसे आप हटा लीजिए, तोड़ लीजिए इस तरह से। देखिए, इस तरह से अमरूद लगते हैं इसमें, इसे मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पर। अब इसकी दो तरह से प्रूनिंग की जाती है। एक तो ये देखिए मेन ब्रांच थी, इसको मैंने यहाँ से कट किया था, तो ये हमारी साइड ब्रांच आ गई और इनमें फ्रूटिंग भी हो गई। अब हमें और फ्रूटिंग चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं ब्रांच को हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से।
इस तरीके से हम कट कर देंगे। और जैसे ये ब्रांच है, अब आपको क्या करना है, जो ऊपर की 3 से 4 ब्रांच हैं, जैसे ये ब्रांच आप देख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से पत्ते निकालेंगे और इसकी करेंगे टिप कट। टिप मीन्स देखिए, यहाँ से मैं इसे कट कर दूंगा, ये इसकी टिप है। अब होगा क्या, इसके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी न्यू ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। सेम ये ब्रांच आप देख रहे हैं, तो यहाँ से हम इसे ऊपर से टिप कट कर देंगे इसकी, और इन पत्तों को इस तरह से हम निकाल देंगे। और सेम आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसकी हम यहाँ से टिप कट कर देंगे और इन पत्तों को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो अब हमारे इसमें न्यू ग्रोथ होने लगेगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये दूसरी ब्रांच है, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। ये टोटल हमने यहाँ पे 3 ब्रांच बनाई हुई हैं। और यहाँ पर भी देखिए, ये अमरूद लगे हैं, तो इन्हें भी मैं कट कर लेता हूँ। और जब आप सर्दियों में कटिंग करेंगे इस तरह से, तो जो लास्ट की फ्रूटिंग हो, आपको उसे हार्वेस्ट कर लेना है, फिर आपको कट करना है। अब आप देखेंगे, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से इसे कट कर देंगे, इसे कट कर देंगे, इसके बाद यहाँ से इनको निकाल देंगे पत्तों को, और यहाँ से इसे कट कर देंगे। लगभग 1 से 1.5 फीट का आप इसे रखिए। ये देख सकते हैं आप, पहले ही मैंने इसमें कट लगा दिया है, तो अभी हम इन पत्तों को निकाल देंगे। और यहाँ से कट कर देंगे। इसको नीचे से हमें कट कर देना है। अब देख सकते हैं, ये देखिए काफी बड़ी ब्रांच है, तो इसको आप देख सकते हैं, यहां से ये न्यू ग्रोथ हो रही है, तो जस्ट हम इसकी ऊपर से ही इस तरह से कट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर हम इसको, इसकी टिप को यहाँ से कट कर देंगे, और इन पत्तों को आपको इस तरह से हटा देना है। जो अंदर की तरफ ब्रांच हो, आप उन्हें पूरा भी हटा सकते हैं और इस तरह से भी हटा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं रखनी है, वरना न्यूट्रिशन की जो है कमी की वजह से। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांच हो गई हैं। तो जैसे ये वाली है, तो मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगा, ये देखिए। तो इस तरह से ये प्रूनिंग हमने कर दी है। अब यहाँ पर भी जो देखिए, ये वाली ब्रांच अंदर की तरफ आ रही है इसी में, क्योंकि यहाँ से न्यू ग्रोथ होगी तो ये इसे डिस्टर्ब करेगी, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया है। ये ब्रांच बाहर की तरफ है, तो हम इसे यहाँ से काट देंगे। ये 2 ब्रांच एक्स्ट्रा हैं, इन्हें हम नीचे से ही काट देंगे। ये ब्रांच अंदर की तरफ है, इसे हमें हटाना है। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये अमरूद लगे हैं, यहाँ से ये ब्रांच यहाँ आ गई है, तो जस्ट इसके ऊपर से हम इसे हार्वेस्ट भी कर लेंगे और इन्हें रख भी लेंगे इस तरीके से। दूसरी हमारी ये ब्रांच है, इसको भी यहाँ से कट कर लिया। अब हमारी केवल एक यहाँ पर ये ब्रांच बची है, तो इसको, ये इसकी दूसरी ब्रांच है, यहाँ से ये ब्रांच आई है, तो बस इनकी टिप टिप को हम काट देंगे। और अब हमारी लास्ट एक और ब्रांच है, जो कि यहां पर है, ये वाली। तो इसको हमें काटने के लिए, हमने इसको छोड़ा हुआ है, तो मैं इसे
यहाँ से ही काट देता हूँ इस तरीके से। देखिए ये हमारा एप्पल बेर है, इसे मैं साइड में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो ये हमने यहाँ से इसको काट दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं इस पौधे में लिमिटेड ब्रांच हमने रखी हुई हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं। फिर इनके बाद जो ये ब्रांच निकल रही हैं इन्हें हमने रखा हुआ है, ये मैंने रखी है। इसमें हम फ्रूटिंग ले लेंगे, उसके बाद इसे कट कर देंगे। थोड़ी लंबी है तो इसे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, फिर हम इसे कट कर देंगे। अब आपको इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद क्या केयर करनी है, तो देखिए जब आप इस तरह से प्रूनिंग करें तो उसके बाद जो ग्रो बैग है इसमें आपको खाद देना है। अब आप खाद कौन सा दे सकते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन पत्तों को हटाइए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो आप उसे हटा दीजिए, और खरपतवार कुछ भी निकल आई है आपको उसे हटाना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी हल्की सी आपको गुड़ाई करनी है, मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करना है हमें, ये चीज़ ज़रूरी है। अब आपने गुड़ाई कर दी, गुड़ाई करने के बाद हम इसमें देंगे खाद। तो खाद में आप क्या क्या दे सकते हैं, तो देखिए बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, दोनों में से आपके पास जो भी है आप उसको दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए बर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहा हूँ। तो एक पौधे में, इस तरह का पौधा है तो इसमें आप 2 किलो के आसपास बर्मी कंपोस्ट एक बार में मिला सकते हैं इस मिट्टी में, और जैसे ही आप प्रूनिंग करें उसके बाद आपको मिलाना ज़रूरी है। इसके बाद जब आप इसमें न्यू ग्रोथ हो जाए और फ्लावरिंग का समय रहे उस समय भी आप इसमें मिला सकते हैं। अब इस खाद को देने के बाद हम कर देंगे इसमें इस तरह से, देखिए हल्की फिर से गुड़ाई, और इसी मिट्टी में ये खाद हमने मिला दिया है। तो ये टेक्निक है आपके गुआवा फ्रूट में ढेर सारे जो है गुआवा के पेड़ में ढेर सारे फल पाने की। इस तरह से अब ये अमरूद के पौधे में जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब वो न्यू ग्रोथ कितने दिन में स्टार्ट होगी, तो लगभग उसमें 15 से 20 दिन का समय आपको लगेगा। 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि आपके अमरूद के पौधे में जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे वाटरिंग कैसे करनी है, तो अब थोड़ा सा पानी देना कम कर दें, क्योंकि अब पत्तियाँ नहीं हैं पौधे में तो उतना ज़्यादा पानी की नीड नहीं होगी। अब आप देखिए होगा क्या, जब आपके पौधे में 15 से 20 दिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये न्यू ग्रोथ हो तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल रही हैं आप उन्हें कट कर दीजिए, और जो आपको रखनी हैं जितनी ब्रांचेस आप उन्हें रखिए। फिर यहीं पर जो है यहाँ जैसे ही ये बड़ा होगा लगभग 3 से 4 महीने बाद इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही गर्मियाँ आएंगी उसके समय हमें इसमें फ्रूटिंग मिलेगी, और गर्मियों में इस अमरूद के पौधे से फ्रूटिंग मिलेगी। 2 बार फ्रूटिंग मिलती है, सर्दियों में और गर्मियों में। तो सर्दियों की सबसे अच्छी होती है, फिर गर्मियों की भी आप फ्रूटिंग ले सकते हैं, तब आपको मिलेगी। अगर आपका पौधा छोटा है तो कब से प्रूनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो पौधा लगाने के 4 महीने बाद से आप जो है इसकी प्रूनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अमरूद का पौधा मैं लेकर आया हूँ, इसे मैंने इस ग्रो बैग में लगाया, जब इसकी हाइट इतनी थी 4 महीने हो गए थे, तो मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया था तो इसकी ये साइड ब्रांच आ गई थी। तो इस तरह से आप अपने अमरूद के जो पौधा है, पेड़ है, जो आपने गमले में लगा रखा है, ग्रो बैग में लगा रखा है, उसकी समय समय पर प्रूनिंग करें, और फिर खुद के बहुत अच्छे ऑर्गेनिक अमरूद खाने में इस्तेमाल करें। अमरूद के पेड़ की प्रूनिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से मैंने सारे आपके सवालों के आंसर दे दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है कि प्रूनिंग कैसे की जाती है, कब की जाती है, और भी कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए और मैं आपके उन सवालों के जवाब दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।